कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 11 फरवरी की प्रस्तावित साहिबगंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर आज साहिबगंज के श्रीकुंड स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल 1 बजे दोपहर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत श्रीकुंड के मैदान से करेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साहिबगंज पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और भी केंद्रीय नेता आ रहे हैं, पूरे प्रदेश से जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। राजेश ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बहुत नफरत और महंगाई बढ़ गई है, जिसे देश के हर एक लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत झारखंड से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार में सभी कांग्रेसी मंत्री, राज्यसभा सांसद, पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कल होने वाला कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड आ रहे हैं, तो उस निमित्त भारी संख्या में लोग साहिबगंज की धरती पे आएंगे। सिद्धू कानू की धरती है और हम लोग चाहते हैं कि सिद्धू कानू की धरती से एक उलगुलान की शुरुआत हो और घर घर तक हम लोग जो जा कर के कुंडी ठकठकाने का काम करें और लोगों को बताने का काम करें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उन्होंने नफरत बढ़ाने का काम किया है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। और तभी जब इन सारी चीज़ों को लेके जाएंगे और जनता के जो का जो आक्रोश है उसको समेटने का काम करेंगे, तो हम समझते हैं कांग्रेस मजबूत होगी तो देश भी स्वतः मजबूत।